नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्ट्राइकर जोन में। क्रिकेट तो हम सभी खेलते हैं, लेकिन जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं, क्या उनके डायमेंशंस के बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक क्रिकेट इक्विपमेंट्स के डायमेंशंस के बारे में। तो इस वीडियो के एंड तक आप लोग भी सब जान जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कुछ इक्विपमेंट्स के मेजरमेंट्स को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट बैट की। तो क्रिकेट बैट की लेंथ होती है 38 इंच, अगर सेंटीमीटर में बोले तो 96.5 सेंटीमीटर। विड्थ की बात करें तो वो है 4.25 इंच, सेंटीमीटर में 10.8 सेंटीमीटर। वेट इसका फिक्स नहीं होता, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड वेट होता है 1050 ग्राम टू 1200 ग्राम। अब बात करते हैं स्टम्प्स की। तो स्टम्प्स की जो लेंथ होती है वो होती है 28 इंच, सेंटीमीटर में बोले तो 71.1 सेंटीमीटर, और विड्थ 1.5 इंच या फिर 34.9 टू 38.1 मिलीमीटर। और थ्री स्टम्प्स लगाने के बाद जब वो विकेट बन जाता है तो उसकी जो विड्थ होती है वो होती है 9 इंच या 22.85 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं बेल्स की। तो बेल्स की लेंथ होती है 11.1 सेंटीमीटर, विड्थ 1.3 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं बॉल की। तो बॉल का वेट होता है 155 ग्राम टू 163 ग्राम या फिर 5.5 टू 5.75 आउंसेस, और सर्कमफेरेंस होता है 9 इंच। और बॉलर्स जो शूज़ का यूज़ करते हैं उसे कहते हैं हम स्पाइक्स, जिसके नीचे नेल्स लगे होते हैं, जिनकी संख्या होती है 9 टू 11। किसी किसी स्पाइक्स में 9 नेल्स होते हैं और किसी में 11। एक बहुत ही अच्छे स्पाइक्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है, और वो वीडियो आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही मैं स्पाइक्स का परचेजिंग लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर करते हैं ख़त्म। होप कि अब आप लोग कुछ बेसिक क्रिकेट इक्विपमेंट्स के मेजरमेंट को जान चुके हैं, और होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।